हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक इनर क्लास। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक इनर क्लास विद एग्जांपल। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक इनर क्लास, अगर हम किसी क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास बना देते हैं और अंदर वाली क्लास, अगर हम उस क्लास को स्टैटिक कर दें, तो उसी क्लास को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इनर क्लास। चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजे IDE ओपन है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ एक पैकेज है, इसमें हम लोग एक क्लास बनाते हैं। तो पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग न्यू पे जाएंगे और एक जावा की क्लास बना लेंगे और इस क्लास का नाम दे देंगे आउटर। ठीक है, क्या नाम दे देंगे, आउटर। आउटर तो हमारी यहाँ आउटर क्लास बन गई और इसके अंदर हम लोग एक स्टैटिक इनर क्लास बनाएंगे। कौन सी क्लास बनाएंगे, एक स्टैटिक इनर क्लास बनाएंगे। तो सिंपल आप लिखिए स्टैटिक और क्लास सिंपल बना दीजिए स्टैटिक और इसका नाम दे देंगे इनर। तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास आउटर क्लास थी, आउटर नाम की क्लास थी, इसके अंदर एक और मैंने क्लास बना दिया और उस क्लास को मैंने कर दिया स्टैटिक। अब स्टैटिक करने का फ़ायदा ये होगा कि स्टैटिक क्लास सिंपल इस आउटर क्लास के साथ एसोसिएटेड है, इस क्लास से एसोसिएटेड क्लास है, दैट इज अ स्टैटिक क्लास। अब इससे फायदा ये होगा कि आप इस आउटर क्लास, इस इनर क्लास को आउटर के साथ यूज कर सकते हो। दैट मीन्स जहां जहां भी इनर यूज करना होगा आप ऐसे यूज करोगे, आउटर डॉट इनर। ठीक है, इन द सेम वे जैसे अगर आप कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाते थे, स्टैटिक इंटीजर ए इज इक्वल टू 20, जैसे आप कोई स्टैटिक मैथड बनाते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले डिस्प्ले, और मेथड में मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले ये। ठीक है, डिस्प्ले ए। अब एक्चुअली हुआ क्या है, एग्जैक्टली आपके आउटर क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल है, एक स्टैटिक मेथड है और एक स्टैटिक क्लास है। सिंपल, जैसे आप इस ए को एक्सेस कर सकते हो आउटर डॉट ए, इस क्लास को, इस मेथड को एक्सेस कर सकते हो आउटर डॉट डिस्प्ले, उसी तरह इस इनर क्लास को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो आउटर डॉट इनर। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैटिक इनर क्लास है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और कॉल करते हैं स्टैटिक इनर क्लास को। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड में किसी दूसरे क्लास में रख देता हूँ या इसी क्लास में रख लेते हैं हम लोग मेन मेथड। तो हम लोग सिंपली यहाँ बनाएंगे एक मेन मेथड। अब हम लोग को सिंपली करना क्या है, इस क्लास को कॉल करना है। आज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वेरिएबल को कॉल करना चाह रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप क्या कैसे कॉल करोगे, सिंपली देखिए आप लिखोगे सबसे पहले क्लास का नाम आउटर डॉट ए। ठीक है, तो ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। अगर आप मेथड कॉल करना चाह रहे हो तो आपको लिखना है आउटर डॉट डिस्प्ले, तो मेथड कॉल हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे अगर क्लास को कॉल करना है तो आप लिखोगे आउटर आउटर डॉट इनर। ठीक है, तो आपकी क्लास यूज हो जाएगी, जहां जहां भी आपको यूज करना होगा आप आउटर डॉट इनर कॉल कर सकते। तो क्लास का तो आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो हम लोग क्या करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आपको लिखना आउटर डॉट इनर, ओ बी इज इक्वल टू न्यू आउटर डॉट इनर, आउटर डॉट इनर। तो ये सिंपली आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इनर क्लास का। देखिए ये इनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। एक बार मैं सिंटेक्स बता देता हूँ, कभी भी स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा आउटर क्लास डॉट इनर क्लास और एक वेरिएबल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है आउटर डॉट इनर क्लास। ठीक है, फिर आपको इक्वल टू लिखना होगा, फिर आपको न्यू लिखना होगा। अब यहाँ पे लिखना है आपको इनर क्लास का नाम, तो इनर क्लास विदाउट आउटर क्लास नहीं आ सकता। तो फिर से आप इनर क्लास को लिखने के लिए सबसे पहले आप आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लिखोगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखना यही चाह रहे थे इनर क्लास, बट इनर क्लास को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि वो आउटर क्लास के अंदर है और स्टैटिक है, तो क्लास के नेम के साथ एक्सेस हो जाएगा। सिंपल, जैसे मैंने यहाँ एक्सेस करके आपको दिखाया। तो जब भी आपने ये कॉल किया तो ये कॉल हुआ इनर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इनर क्लास के अंदर। तो सिंपली आप लिखिए इनर और ये बन गया हमारा इनर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कुछ भी, सिंपल दिस इज इनर कंस्ट्रक्टर सिंपल।
थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया है, अपने वेरिएबल को सबसे पहले कॉल किया है, फिर आउटर के डिस्प्ले को कॉल किया और फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे सिंपल क्या होगा, इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो जाएगा ये, और वो प्रिंट कर देगा दिस इज इनर क्लास। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देख पाओगे 20 20 एंड दिस इज इनर कंस्ट्रक्टर। तो सिंपली यहाँ पे एग्जैक्टली कॉल हो गया। अब मैं स्टैटिक क्लास के बारे में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो और स्टैटिक इनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो। आपको लिखना होता है इनर क्लास का रेफरेंस, तो आप आउटर की हेल्प से इनर क्लास का रेफरेंस डिक्लेयर करते हो, आउटर डॉट इनर ओ बी इज इक्वल टू न्यू आउटर डॉट इनर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी इनर क्लास है और जो कि स्टैटिक इनर क्लास है, तो ये एक्सेस कर सकती है आउटर के सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को, आउटर के सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है। तो मैंने लिख दिया एक्सेस आउटर स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये स्टैटिक ए है, आउटर क्लास के अंदर है, तो ये भी इसको प्रिंट कर सकती है। तो आप देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इनसाइड इनर क्लास, और ए की वैल्यू आप सिंपली प्रिंट कर सकते हो। देखो इसको रन कर दो आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इनसाइड इनर क्लास 20, दैट मीन्स ए की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट कैन नॉट एक्सेस, स्टैटिक इनर क्लास कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ आउटर क्लास, ठीक है। तो अगर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल आपने ऊपर बना दिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बना दिया है इंटीजर बी इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये क्लास स्टैटिक है तो इस बी को, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को ये एक्सेस नहीं कर सकती। देख लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बी प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो ये बी प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगी। देखिए यहाँ पे अगर एरर दिखाऊँ तो एरर आ रही है, नॉन स्टैटिक फील्ड बी कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको तीन चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ऑब्जेक्ट स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। दूसरी चीज़, स्टैटिक इनर क्लास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड्स को कॉल कर सकता है आउटर क्लास के। तीसरी चीज़, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड्स आउटर क्लास के जितने भी होंगे, इनर क्लास उन्हें कॉल नहीं कर सकता। तो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ऐसे समझ लीजिए कि स्टैटिक क्लास, इनर स्टैटिक क्लास इज एसोसिएटेड विथ आउटर क्लास, सो इट कैन बी डायरेक्टली रेफरेंस विथ आउटर क्लास नेम, आउटर डॉट इनर। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कभी भी आप नॉन स्टैटिक आउटर क्लास के वेरिएबल्स और नॉन स्टैटिक आउटर क्लास के वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर सकते, फिर वह चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। स्टैटिक क्लास कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ द आउटर क्लास। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहूँगा। आप आउटर क्लास को, आउटर क्लास की हेल्प से इनर क्लास को एक्सेस कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, बट अगर आप मेन, आपका जो मेन मेथड है वो उसी क्लास में है जिस क्लास में आपका स्टैटिक इनर क्लास है, दैट मीन्स ये वाली क्लास, इनर क्लास जिसको आप कॉल कर रहे हो और मेन मेथड सेम क्लास में है, तो आप इनर को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो कुछ ऐसे, इनर टी इज इक्वल टू न्यू इनर। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब आपका मेन मेथड उसी क्लास में हो जिस क्लास में आपकी स्टैटिक इनर क्लास है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो ऊपर वाली चीज़ हम लोगों ने सीखा था वो जनरल चीज़ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट के लिए जब आपकी स्टैटिक क्लास और आपका मेन मेथड एक ही में हो, उस केस की बात कर रहा हूँ। बट आपको सीखना ऊपर वाली है क्योंकि ये जनरल तरीका है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टैटिक क्लास कैसे कॉल किए जाते हैं, स्टैटिक क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और स्टैटिक क्लास कौन कौन सी वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आउटर क्लास की कॉल कर सकता है।